यूनिटी में जोड़ सके, एक अच्छी हारमोनी बना कर के काम कर सके, ऐसी शक्ति देने वाले भी गणपति भगवान। अरमान बनी है उसके जैसी ना कोई नाज़नी।
तेरे चम चम से मेरे डम डम से क्या रंग जाने लगा है। कुछ जिनसे हमारा खून का रिश्ता था और कुछ जिनसे मन था। किसी ने क्या खूब कहा है, हाथ से तो बहुत होते हैं इस दुनिया में, लेकिन कुछ हाथ से ऐसे होते हैं जहां मरने वाले से कोई रिश्ता ना भी हो पर तकलीफ अपनों जैसी ही होती है। ऐसी ही कुछ शख्सियतों को हमारे बॉलीवुड ने खोया, जैसे कि इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, एस कोरियोग्राफर सरोज खान जी वगैरह। आज हम इस कार्यक्रम के द्वारा ट्रिब्यूट दे रहे हैं बॉलीवुड के दो महान कलाकार श्री ऋषि कपूर जी और श्री सुशांत सिंह राजपूत जी को। सुशांत सिंह राजपूत का मैं चाहूंगी आप लोग प्लीज तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। भी कार्य की शुरुआत करते समय भारत में कहा जाता है कि श्री गणेश कीजिए, और दीपावली पर तो यदि लक्ष्मी माता का हम कोई भी कुछ भी मंत्र लिखते हैं तो उससे पहले गणपति का मंत्र लिखते हैं, उनका जो स्वस्तिक चिन्ह है उसको बनाते हैं। तो आते हुए हम ये कहते हैं कि माता लक्ष्मी से समृद्धि जरूर मांगिए, प्रोस्पेरिटी आपके घर में आनी चाहिए, लेकिन जब तक आपके पास में सुबुद्धि नहीं होगी आप अपनी लक्ष्मी का लाभ नहीं ले पाएंगे। अच्छी से अच्छी चीज़ भी अगर उसको प्रयोग करने का, यूज करने का तरीका नहीं हो तो वही चीज़ जो है खराब हो जाती है, वही नुकसान देने लग जाती है। दुनिया में हर चीज़ का एक ही तरीका होता है कि उसको यूज करने वाला वही वक्त है आपके पास। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो उसी टाइम का फ़ायदा उठाकर आप अपने आप को ऊँचा उठा लेंगे, और यदि आप जो है आपकी बुद्धि सही नहीं है तो आप उससे अपना नुकसान कर लेंगे। तो इसलिए बुद्धि के देवता हैं गणपति भगवान। देख कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
इनकी भी बना लो जरा थोड़ी सी, ये जो कर रहे हैं एक बार पीछे भी घुमा दे जरा। हाथ हम देखते हैं उनके हाथ में लड्डू हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि खुशियां आती रहें, लड्डू बढ़ते रहें और आप झूमते रहें, गाते रहें। ये आशीर्वाद भी गणपति भगवान से मिलता है। तो इन दिनों आप भी अपने घर में गणपति भगवान का पूजन कीजिए और अपने घर में गणपति को लाइए, जिसका मतलब होता है अपने घर में खुशियां लाइए। अपने घर में सभी की बुद्धि सुबुद्धि रहे, सबकी अकल अच्छी रहे और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। ये आशीर्वाद गणपति भगवान से हमें लेना चाहिए। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद।